फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल बनाकर दोस्ती बढ़ाने के नाम पर युवक से लूट करने वाले गिरोह को हरिद्वार जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। मई महीने में बिहार के रहने वाले ऋषभ नाम के युवक के साथ लूट की वारदात हुई थी। आरोपी ग्राइंडर नाम की फ्रेंडशिप ऐप पर फेक प्रोफाइल के जरिए युवक से बात कर रहे थे। उसे मिलने के लिए हरिद्वार बुलाया। जब वो ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा तो गिरोह का एक सदस्य उसे अपने साथ ले गया, जहां बैरागी कैंप क्षेत्र में तीन लोग पहले से मौजूद थे। चारों आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट कर उसे कैश, एटीएम और गोल्ड चैन छीन ली। अलग अलग थानों में शिकायत देने पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित युवक ने सीएम हेल्पलाइन में मामले की शिकायत की। इसके बाद मामला जीआरपी पुलिस को ट्रांसफर होने के बाद पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी फरार बताए गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5,000 रुपए कैश, एक मोटरसाइकिल और साथ ही साथ कुछ आधार कार्ड मिले। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसमें आगे के क्रम में हमने विनीत कुमार और उत्तम कुमार, ये दो लड़कों को कल पूछताछ के लिए कल लेके आए थे। उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आई उस बेसिस पे उनको हमने अरेस्ट किया और उन्होंने इस घटना की कबूली दी है कि उन्होंने जो ऋषभ कुमार है इसको ये लोग बैराई कैंप की तरफ लेके गए थे और उसके साथ लूट की। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि इनके साथ और मोनूपाल, रविकांत, अर्जुन और विनीत राणा उर्फ काका, ये सब लड़के इन्वॉल्व थे। जिसमें से रविकांत जो है, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि इन्होंने पहले भी लगभग 3 से 4 साल से ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं, बट जो रिपोर्टेड घटना है उसमें से ये हमारी जो है पहली घटना है जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की।